हाय, इस बार वॉलपेपर किसका है? कुंग फू पांडा का। गैस कर सकते हो कौन कौन से कैरेक्टर्स मिसिंग हैं यहाँ पे? अगर किसी ने देखी हो कुंग फू पांडा अच्छे से, तो दो कैरेक्टर तो मुझे मिसिंग दिख गए, शायद और भी हों कुछ मेन मेन कैरेक्टर्स से मिसिंग। इसकी टीम के 5 मेंबर। अच्छी मूवी है, 3 पार्ट हैं, देख लेना। अंदरूनी शांति मिलेगी, इनर पीस। नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। बाकी सब्सक्राइबर्स मैंने फिर से 254 255 पहुंचा दिए थे, थैंक यू। यूट्यूब या पता नहीं क्या, आज शायद या कल मैं थर्ड टाइम 250 सब्सक्राइबर्स पहुंचा हूँ फिर से। कोई नहीं, होता है। ओके, सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अनदर सेशन। मैं चाहता हूँ आप जिसको भी प्रेफर करते हैं, W3 स्कूल्स को या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट को या फिर व्हाटएवर, उसमें वेबसाइट खोलें, ठीक है, और फिर चेक करें एक बार कोड जल्दी से कि क्या अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। मेरे इस चैनल का पॉइंट ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को जावा सिखाऊं, इसका बस ये एक मीनिंग है कि जितना तुम्हें चाहिए किक स्टार्ट के लिए उतना तुम कर लो। टाइप कास्टिंग हमने कर लिया था, अब हमें ऑपरेटर करना है। तो एक बार जरा मैं इस कोड को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे जावा में जो जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, उसे हम देखेंगे जल्दी से। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। सारे तो हो सकता है मैं ना पढ़ाऊँ, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका यूज़ तो देखो सबको आता है। ये वाले जो दो ऑपरेटर हैं इनका यूज़ आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम इनका यूज भी देखेंगे। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट में कैसे करें, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ पे ये कुछ फालतू के असाइनमेंट्स और हैं जो मुझे नहीं लगता आपको कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। जो भी प्रोग्राम बनाऊँ उसमें ज़रूरत जो हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सारी लैंग्वेज हमें नहीं सीखनी, ठीक है। हमें सिर्फ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है और बड़ा सा पैकेज लेना है किसी कंपनी से ताकि रोकड़ा मिले। ये लास्ट में हमारा पॉइंट रहता है इन दी एंड। तो चलो इसे एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, टॉप से, सॉरी, ठीक है, टॉप ये रहा हमारा। होता है तो देखो मैं इसका और इनका मीनिंग अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद हो सकता है ट्यूटोरियल बड़ा चल जाए, शायद हो सकता है बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर दे, व्हाटएवर, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स डॉट जावा से क्लास हो गई, मैंने क्लास बनाई, नोटपैड में ओपन की, पीछे से एक कोड कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करवा रहा हूँ इनपुट। आपकी चॉइस है, आप इनपुट कितने एंटर करवाना चाहते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक ही इनपुट डालिंग, ठीक है, एक ही इनपुट डाल रहा हूँ, तो फालतू की लाइन ये नहीं चाहिए मुझे, और मुझे बी से कोई काम नहीं है, तो हो सकता है मुझे आगे ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है मैं कोई कोड ऐसा लिख दूँ। तो अभी के लिए मैं बी को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, चलो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऑपरेटर जो मैं अभी आपको समझा रहा था, इस ऑपरेटर का यूज़ क्या है। तो ये जो है हमारे पास, इसकी शेप कुछ ऐसी है, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले तो इसे परसेंट बोलना बंद करो, अगर तुम में से कोई इसे परसेंट बोल रहा है, सो वी डोंट कॉल इट परसेंट इन प्रोग्रामिंग, इट इज मोडुलो। अजीब नाम लगेगा, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, मोडुलो, मोडुलस वाला मोडुलो एक तरह से, लेकिन इसका मोडुलस से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास होगा मोडुलो ऑपरेटर, बार बार यूज करोगे तो मॉडुलो बोलने की आदत पड़ जाएगी। इसका काम होता है टू प्रोवाइड, ठीक है, रिमाइंडर। वैसे एक बात तो है, जब मैं डिजिटाइजर से नहीं पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को लगता होगा मेरी राइटिंग अच्छी है ना, बिल्कुल नहीं है। एक बार मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे, ठीक है, जब फॉर्म भरने लगा, जब मुझे पता चला कि डॉक्टर के लिए बायो चाहिए, कह बेकार जोक है, कोई नहीं, जाने दो, वरना मैथ से काम चलाना पड़ा। तो इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, इंजीनियरिंग को छोड़ के वापस आइए परसेंट पे।
तो हमारे पास है मॉडुलो ऑपरेटर और इसका काम है रिमाइंडर प्रोवाइड करना। तो चलो, एक ज़माने में तुम लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई गई होंगी, ठीक है? वो चीज़ कुछ ऐसी थी, मैं बेसिक सा मैथ करता हूँ, मेरे पास है 14 और मैं इसे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 वन ज़ा 10, काफ़ी ख़तरनाक मैथ करवा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास बचा 4। तो ये मेरे पास बचा 4, और 4 इज़ अवर रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। देख लेना, डिविडेंड डिवाइजर और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं, उनसे मुझे काम नहीं है। अब इसे ज़रा मैं अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखूं, इफ़ आई से दिस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 14 मोडुलो 10, यानी 14 मोडुलो 10, 14 क्या मुझे आंसर देगा जब मैं उसे 10 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर में। तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा है। 10 से इसलिए मैंने डिवाइड किया क्योंकि कैलकुलेशन इजी होते हैं। 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, बाकी कर लो आगे 10 तक ही, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। चलो मैं इसका कोड को फिर से समझाता हूँ एक बार, अब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक इनपुट डालिंग, ठीक है, ठीक है, यही ठीक है, देखी जाएगी, इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है मेरी। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया। अब मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जहाँ तक हो सके स्टार्टिंग में जितने वेरिएबल यूज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतने करो, लेकिन जब एक्सपर्ट बन चुके हो, कोड समझ में आ रहा है, तो कम से कम वेरिएबल यूज़ करो। जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी और उतना बेकार कोड होगा तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि लास्ट में तुम्हें ये तो कोड बनाने नहीं होंगे जो तुम्हारा कैलकुलेटर भी कर सकता है, ये बस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि पता चल जाए कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट एंटर करवाया यूजर से ए, और मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड डिवाइडेड बाय। ओके, अब मेरा कोड आगे जा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, 10 ही ले लेते हैं, देखी जाएगी, मैथ समझ में आएगा। तो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, ये क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर जब हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो मैं अगली स्टेटमेंट अगली लाइन में लिख लेता हूँ, नहीं इसी लाइन में ही कंटिन्यू कर देता हूँ। आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं प्लस से, लेकिन मैं नहीं करूँगा, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं करूँगा। तो मैं फिर से एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ, एक मिनट, ये कबूतर, इसको नीचे भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ फिर से एक लाइन लिख रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। वैसे एक बार मैंने खुद की रिकॉर्डिंग सुनी थी और मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा था, मुझे ऐसे लगा। तो तुम लोग क्या करो, शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन ये प्रेस कर दो अपने अपने कंप्यूटर पे, स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दी थी, नहीं यार स्पेस नहीं दी, थोड़ी देर स्पेस दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना प्रिंट करवा रहा हूँ, ए है मेरे पास और ए को मोडुलो, हाँ ये परसेंटेज वाला साइन 10 मैंने ऐसे लिख दिया। तो चलो चेक करते हैं, कंट्रोल एस, वापस चलते हैं अपने, सॉरी कंट्रोल एस दबाया और ये मैंने खोल ही नहीं रखा, तो जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यू नो द ड्रिल। तो जल्दी से कर दो सीडी डेस्कटॉप। ओके, सीडी डेस्कटॉप, एंटर, जावा सी फाइल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या रखा था, ऑपरेटर, ओके ठीक है, ऑपरेटर डॉट जावा, एंटर, थैंक यू कंपाइलर, कोई एरर नहीं आई। अब जावा और ऑपरेटर डॉट क्लास नहीं होना चाहिए, सॉरी डॉट क्लास नहीं होना चाहिए, बस एक इनपुट डालेंगे, तो एक इनपुट क्या ले लेते हैं, 56। तो अब मैं 56 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 6 बचेगा, 10 5 50, तो 6 ऊपर है, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 6। तो इस सेंस में मेरा मॉडुलो ऑपरेटर काम करता है। आप किसी और नंबर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 20 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो ये वर्किंग हो गई हमारे मॉडुलो ऑपरेटर की। नेक्स्ट, इस कोड का अब मुझे कोई काम नहीं है,
इस कोड को मैं फिर से एक बार कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं YouTube पे पेस्ट करूँ तो तुम लोग इसे अनकमेंट करके सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गया हमारे पास किसका, ठीक है, मोडुलो ऑपरेटर कैसे काम करता है। सॉरी, मैंने गलत लाइन को कमेंट कर दिया, ये वाला ब्रैकेट भी इसमें आ गया। ओके हाँ, तो अभी कमेंट मैंने कर दिया, इस कोड की आपको जरूरत पड़े अनकमेंट करके कर देना इसे। नेक्स्ट, अब चलो देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास है x और x की वैल्यू है 10। मैं चाहता हूं x की वैल्यू 11 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कहूंगा x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मेरा कोड होगा। यानी x की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने x में क्या किया 1 ऐड कर दिया, और अब 10 + 1 क्या हो गया 11। और मैंने ये वैल्यू वापस से जहां पे 10 स्टोर था, इसमें इस एक्स में हमारे पास 10 स्टोर था, मैंने इसी को ये वैल्यू वापस पकड़ा दी, तो इसमें कितना स्टोर हो गया 11। दोबारा से ट्राई कीजिए, मान लो एक्स की वैल्यू है 5, तो मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इज इक्वल टू के यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड में है ये वाला कोड, इसे एग्जीक्यूट करेगा राइट साइड वाले को। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, इसे ये सॉल्व कर देगा 6। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ये कहेगा राइट साइड की वैल्यू आ गई 6, तो ये वैल्यू असाइनमेंट असाइन कर देगा किसे, इस एक्स को, लेफ्ट साइड आपने जो भी लिख रखा है इसे। तो इस वजह से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा, ये तो सबको पता है। चलो, नई बात मैंने क्या सिखा दी। अब ये बार बार x इज इक्वल टू x प्लस 1 मैं ये ना लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आपको आता है, इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। आगे हम लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास लूप होंगे, जब पढ़ेंगे, जब देख लेंगे। तो वहां पे हमें लूप को ये बताना होगा कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे बार बार एक ही कोड को रन करो। तो वहां पे हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, और ये कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है क्या, प्लस प्लस, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सुना है ना, यही है। अब देखो, मान लो मेरे पास है क्या, मेरे पास है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सेमी कॉलन लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, यानी हमारा कोड काम कैसे करेगा। तो एल्गोरिथम में सिंटैक्स नॉट नेसेसरी, सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है मशीन को कैसे कोड समझाना है, और एल्गोरिथम है ह्यूमन को कोड कैसे समझाना है, कि एक इंसान को कोड कैसे समझाना है, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो एल्गोरिथम मैं लिख रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली जावा में कैसे फीड करूंगा ये वाली चीज नहीं लिखूंगा। बच्चों, मेरे पास है x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी स्टेटमेंट की जगह ये लिख दिया x प्लस प्लस, दैट्स ऑल, मैंने लिख दिया x प्लस प्लस, बस ये मेरा कोड यहां रन हो गया। चलो चेक करते हैं दोबारा से। तो यहां मैंने टाइप किया एक इनपुट एंटर करो, तो एक इनपुट मैं एंटर करवा रहा हूं, ठीक है, यहां पे, और अब उस इनपुट को मैं बढ़ाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूं एक और इनपुट मैं ट्राई कर रहा हूं, इनपुट, ठीक है, इतने सारे वेरिएबल हैं, टाइम पे एक भी याद नहीं आएगा। इंट सी इज इक्वल टू, मैंने एक और इनपुट डिफाइन कर दिया सी, और जिसको मैं वैल्यू दे रहा हूं ए प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां पे सिस्टम डॉट आउट, अब मुझे याद आ रहा है एक्लिप्स कितना अच्छा था, बस एक बार लिखा और लाइव झिंगा लाला।
लेकिन कोई बात नहीं, जब कंपनी में जाओगे तो इसी पे काम करना पड़ेगा, और एक्लिप्स काफी सपोर्ट कर देता है। तो बेस्ट यही है कि स्टार्टिंग में कोडिंग नोटपैड पे सीखो, एक्लिप्स तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू क्या होगी? तो यहां मैंने लिखा प्लस सी। तो ये जो सी है इसके पास किसकी वैल्यू आई? ए की 1 इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आई है सी की। ठीक है, चलो कंट्रोल एस दबा दिया, वापस अपने कोड में चलते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है दो दो स्टेटमेंट रन करवाऊं, तो एक ही में दोनों स्टेटमेंट रन करवा लेता हूं, जावा ऑपरेटर एंड हिट एंटर। एरर होगी तो यहां भी दिख जाएगी। एक इनपुट डालेंगे तो हम एक नंबर सोचते हैं 99, सबको पता है 99 के बाद क्या आता है। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया। हाँ, क्या गलती हुई? एक ही इनपुट डालो, इनपुट डाल दिया 99, यहाँ इंक्रीमेंट करके 100 आना चाहिए था। तो सबको दिख रहा होगा मैंने कोड में गलती की है। चलो ढूंढते हैं क्या गलती की है। सॉरी, ये कोड नहीं है, कोड यहाँ पे है। ओ ओ ओ सॉरी, आप लोगों को शायद कुछ को समझ में आ गया मैंने क्या एरर की है। ओके, हाँ बच्चों, एक मिनट, चलो अब फंस ही गया हूँ तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को कंट्रोल सी किया और यहाँ कंट्रोल वी किया। मैं सोच रहा था इसे बाद में लिखूं लेकिन मैं खुद ही भूल गया। ठीक है, देखें, गैस कीजिए आउटपुट क्या आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सी को वैल्यू दी है ए प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ ए है। तो देखिए हमारा कोड क्या रन करना चाहिए, फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कंट्रोल एस कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, ये देखिए सी एल एस लिखा, नेक्स्ट, ये कोड रन करवाया, एक इनपुट डालो और मैंने डाल दिया 99। अब देखिए, नेवर माइंड, मैं दोबारा से कोड को थोड़ा सा इंसानों के लिए लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से लाइन हटा दिया ताकि हमारा कोड अब थोड़ा सा अच्छा दिखे एक ही लाइन में। और वैल्यू वैल्यू ऑफ, ये लिख दिया ऑफ सी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब करते हैं, अब थोड़ा कोड ज़्यादा समझ में आएगा। सी एल एस, फिर से ऊपर वाली लाइन, हिट एंटर, एक इनपुट डालो, तो इनपुट डाल दिया मैंने 56, एंटर। तो देखो यहाँ मेरी फिर से गलती है, मुझे प्रिंट लाइन वगैरह कुछ डालना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं डाला। तो सी की वैल्यू है 56 जो कि मैंने डाली थी, और ए की वैल्यू है 57। तो चलो गलती करी दी है तो मैं समझा देता हूँ मैंने कोड में क्या गलती की है, दोबारा तो ट्यूटोरियल बनाऊंगा नहीं। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो इंक्रीमेंट के लिए है यही रूल डिक्रीमेंट के लिए है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री पहले ही और पोस्ट बाद में। तो मेरे पास है एक्स, मैं क्या चाहता हूँ एक्स 1 से बढ़ जाए। तो एक कोड मेरे पास होगा प्लस प्लस एक्स और एक मेरे पास होगा एक्स प्लस प्लस। इसका मतलब है चेंज बिफोर एग्जीक्यूट। आप स्टेटमेंट को अगर रन करवा रहे हो, एक मिनट, चेंज बिफोर एग्जीक्यूट, अगर आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, रन करवा रहे हो, तो रन करवाते टाइम ही, उसी टाइम ही या उससे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लो। एंड इसका मतलब है फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। ओके, मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीज।
ये मतलब है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। चलो चेक करते हैं दोबारा से हमारे कोड को। देखिए हमारा कोड ये है, मैं एक बार यहाँ प्रिंट लाइन डाल देता हूँ ताकि अगली बार तो कम से कम कोड ढंग का दिखे। ओके, यहाँ मैंने प्रिंट लाइन डाल दिया, कंट्रोल एस। देखो मान लो ए की वैल्यू, यहाँ पे ये आपका इनपुट है, ये वाली लाइन, यहाँ मैंने क्या किया ए की वैल्यू पुट करवा दी 99। ओके, तो हमारा कोड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ए प्लस प्लस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ए को 1 से बढ़ा दो, लेकिन प्लस प्लस बाद में आया है, इसका मतलब है पहले एग्जीक्यूट करो और फिर बढ़ाओ। तो ये क्या यूज किया है मैंने, ये मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 99, तो यहां क्या होगा, यहां पे पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, ए की जो भी वैल्यू है, यहाँ ए है, ए की जो भी वैल्यू है वो सी को मिल जाएगी, ठीक है, ए की जो भी वैल्यू है वो सी को मिल जाएगी। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद क्या होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो दोबारा से एक बार कोड को देखते हैं, ये लाइन किसी काम की नहीं है, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। तो CLS ऊपर वाली लाइन, हिट एंटर, एक इनपुट डालो, तो मैंने डाल दिया 99, तो मैंने डाला है 99, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 99, जैसे ही मैंने कोड में ए पुट किया 99 हो गई, तो यहाँ पे कंपाइलर के पास आया 99 इस साइड ए की जगह। कंपाइलर ने क्या किया, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, यानी सी को 99 वैल्यू मिल गई, और उसके बाद कंपाइलर ने क्या किया, ए की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ए की वैल्यू थी 99, तो सी को 99 वैल्यू ही मिली, और उसके बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 से बढ़ गई। तो अब ए की वैल्यू यहां पे कितनी हुई है, इस स्टेटमेंट के बाद, आफ्टर दिस स्टेटमेंट, यहां पे ए की वैल्यू कितनी हुई है बच्चों, 100 हो गई उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद। चलो ये तो था पोस्ट इंक्रीमेंट, अब प्री इंक्रीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। तो मैं ए को 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्री इंक्रीज कर रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स पहले ये कोड रन होगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट रन होगी, ये पूरी स्टेटमेंट उसके बाद रन होगी। तो मान लो मैंने ए को फिर से 99 वैल्यू दे दी, मैंने क्वेश्चन में ए को 99 वैल्यू दे दी, तो अब क्या होगा, सबसे पहले प्लस प्लस ए, यानी ए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, अब ये पोस्ट नहीं रहा, ठीक है, ये प्री हो गया। तो ए की वैल्यू पहले बढ़ेगी यहाँ पे, और जब ए की वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद क्या होगा, सी को वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी, जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ए की वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद ये जो C है ये A के इक्वल पुट किया जाएगा, बस। तो चलो एक बार कंट्रोल S मैंने दबाया और मैं फिर से स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। CLS टाइप किया, ऊपर से स्टेटमेंट दोबारा रन की और एक इनपुट डालो, 99 डाल दिया। तो अब A और C दोनों की वैल्यू 100 100 आएंगी, क्योंकि आपने प्री इंक्रीमेंट किया है ना, खतरनाक। तो एक कोड तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, करोगे ट्राई? एक कोड मैं तुम सबको दे रहा हूँ, कमेंट तो मैंने ऑफ कर रखी है, अदरवाइज कमेंट कर देना। ए को वैल्यू दो, मान लो कितनी दे, 50 दे दी, उसके बाद ये स्टेटमेंट रन करवाओ, ए प्लस 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 ए, सॉरी, प्लस ए, आपको बताना है ये कितना होगा, और जरा ऑर्डर चेंज करके देखो, चेंज द ऑर्डर, ठीक है, इस स्टेटमेंट को पहले लिख के देखो और फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को पहले लिख के देखो, ट्राई करना। तो ये है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
वापस से W3 स्कूल्स में चलते हैं, ये इस वे में काम करता है, ठीक है। ये इसने आप देख सकते हैं प्री इंक्रीमेंट यूज किया हुआ, लेकिन हम आगे जब लूप्स यूज करेंगे वहां हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे। बाकी आप प्री भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद इसने ये कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट्स दे दिए, ठीक है। तो चलो इसे भी जरा जल्दी से देख ही सकते हैं। देखो मैं सारा तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मान लो ये वाली स्टेटमेंट हो गई, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, इन सबको एक बार जरा जल्दी से देखिए, ठीक है। अगर आपको एक ही वेरिएबल में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे? मान लो बच्चों मेरे पास है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ये स्टेटमेंट है। तो इसे मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूं x प्लस इज इक्वल टू 20, शॉर्ट में। दोबारा ट्राई कीजिए, मेरे पास है x मोडुलो इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब हुआ यहां पे, गेस कीजिए। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू x मोडुलो 3। एक बार फिर से चेक कीजिए, मेरे पास है x माइनस इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू x माइनस 4। तो ये हमारे पास एडिशन इंक्रीमेंट, ये देख सकते हो एडिशन से हम इंक्रीमेंट कर रहे थे ऊपर वाले में, इसमें यहां पे हम मोडुलो ले रहे हैं, यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कोड और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। जरा प्लीज खुद ही पढ़ लेना, इजी है, बाकी आदत पड़ जाएगी, दो चार बार कोड में गलती करो गलती करो। एक दिन याद है कि हमारे कॉलेज में एक कंप्यूटर वाली मैम ने क्या क्वेश्चन दे दिया था, एक्स प्लस 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 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू, ऐसे पांच स्टेटमेंट थी एग्जैक्टली, तो मुझे याद नहीं है। और क्वेश्चन था कि बताओ क्या आउटपुट आएगा, हर कंपाइलर पे आउटपुट डिफरेंट आ रहा था। ये सी में, आप टर्बो सी में रन करके देख लीजिए, ठीक है, या फिर कोड ब्लॉक्स में कोड रन करके देख लीजिए, हर जगह आंसर डिफरेंट आएगा। तो कंपाइलर्स कुछ अलग अलग वे में काम करते हैं, तो बेस्ट यही है थोड़ा थोड़ा कोड चेक करें कि आपका कोड लिखा हुआ कैसे काम कर रहा है, वरना प्रॉब्लम बहुत बड़े कोड में ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। शब्बा खैर, आज का कोड इतना ही करते हैं। YouTube में हमारे सब्सक्राइबर 246 थे और 246 ही हैं। इट्स लाइक किसी ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए और फिर उतने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिए, की फर्क पड़ता है। ओके okay.